कभी राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है तो कभी चौकीदार को चोर कहा जाता है। तरह तरह के बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी के बीच हम देखते सुनते आ रहे हैं। दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, यही सियासत है। गुजरात में जहां चुनावी बिगुल बज चुका है, कांग्रेस बीजेपी अपना अपना कैंपेनिंग कर रही है, वहीं पालनपुर जिले के दियोदर से एक अनोखी तस्वीर सामने नजर आई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। गुजरात में राजनीतिक गर्मा गर्मी के माहौल के बीच का ये रोमांचक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ बीजेपी का चुनावी रथ मिट्टी में फंस जाता है तो उसकी मदद के लिए कांग्रेस की प्रचार गाड़ी आ जाती है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स जमकर मजेदार कॉमेंट भी कर रहे हैं। वही कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिए। गुजरात चुनाव की बात करें तो पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की यहाँ परंपरा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।